वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोनित ब्लॉग। रोनित ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपको अपडेट देने वाली हूँ राम मंदिर के बारे में और जहाँ पे राम मंदिर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहाँ का मैं आपको अपडेट दूंगी और वहाँ पे मैं आपको ले चल के दिखाऊंगी। आज राम मंदिर बनते हुए मैं आपको दिखाऊंगी और अभी मैं जहाँ पे हूँ वो है राम जन्मभूमि पर। आप लोग देख सकते हो राम जन्मभूमि पर और यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। ये पहले बन चुका था और अभी खुदाई हो गई है वहाँ पे तो इसलिए इसको ढक दिया गया है। और अभी मैं जहाँ पे बैठी हूँ वो है पत्थर का सिर चेयर, उसी पे मैं बैठी हुई हूँ। और राम मंदिर कितना बन चुका है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, मैं सारी चीज़ें आपको आज वहाँ पे अपडेट दूंगी। तो मेरे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को ताकि मैं ऐसे नए नए वीडियो आप तक लाती रहूँ। तो चलिए चलते हैं, राम मंदिर का अपडेट मैं आपको देती हूँ वहाँ का। तो आइए तो यहाँ पे सारी निःशुल्क सुविधाएं दी गई हुई हैं यहाँ पे। भैया व्हील चेयर का कितना किराया है? 150। आप 100 रुपये बोल रहे हो, 150 बोल रहे हैं। लेकर जाएंगे 150 यहाँ का 100। क्या दोपहर आओ मर्ची ले लो तब चलो, क्या करेंगे इतना जल्दीबाजी तो अभी आपने देखा कि उन्होंने बोला कि अगर यहाँ से आप जाएंगे तो 100 में और अगर आप आगे तक रोड तक लेके जाएंगे तो वो 150 में लेके जाएंगे। ये देखिए क्या दी? ये देखिए यहाँ पे लोग दर्शन करके आ रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये ही रास्ता है राम मंदिर जाने के लिए और मैं अभी यहीं से आपको राम मंदिर दिखाऊंगी। अमावा राम मंदिर आप लोग देख सकते हो, यही अमावा राम मंदिर है और यहीं से मैं आपको आज राम मंदिर का अपडेट देने वाली हूँ। और ये आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे पत्थरों पे यहाँ पे डिज़ाइन बनी हुई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट मैं अभी आपको सामने से कुछ दिखाती हूँ और मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिया अपडेट दिया था कि यहाँ पे जो पत्थर लग चुके थे वो फिर से तोड़ दिए गए हैं और पहले कहा जा रहा था कि यहाँ पे कुछ तंबू टाइप में बनेगा बैठने के लिए जिससे लोगों को थोड़ा सा छाँव मिल सके, बट अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि यहाँ पे क्या बनेगा। और मैं अभी आपको वही चीज़ दिखाती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ कि किस प्रकार से पहले थोड़ा सा खोदा गया था लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा इसकी जो है खुदाई हो चुकी है। और मैं अभी आपको थोड़ा सा बैक कैमरे से दिखा दे रही हूँ।
तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे खुदाई हो गई है। और ये पत्थरों पे टाइल्स की तरह दिखे यहाँ पे डिजाइन बनाई गई हुई है। और इधर भी काम चल रहा है और मौसम भी काफी अच्छा हो रखा है यहाँ पर। तो ये लोग दर्शन करके आ रहे हैं, ये जो ये रास्ता आप लोग देख रहे हो इधर से दर्शन करके आते हैं लोग, तो ये दर्शन करके लोग इधर से आ रहे हैं। आपको राम मंदिर का अपडेट दूंगी, दिखाऊंगी आपको, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको राम मंदिर के बारे में। तो इसकी जो लंबाई है वो 380 फीट है और जो चौड़ाई है वो 250 फीट इसकी चौड़ाई है। और इसमें जो खंभे लग रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि 392 इसमें खंभे लग रहे हैं। और इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसकी जो डेट बताई जा रही है वो 24 जनवरी को बताई जा रही है कि 24 जनवरी को मोदी जी आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। तो मैं अभी आपको बैक कैमरे से थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ। तो आप लोग राम जन्मभूमि पथ ये रास्ता आप लोग देख पा रहे होंगे और यहाँ पे जगह जगह पे चेकिंग स्टैंड भी लगाए गए हैं जिससे कि लोग जो है वो कुछ भी ले जा ना सके अंदर, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि बहुत बहुत यहाँ पे संवेदनशील मामला है राम मंदिर का। और थोड़ी सी अगर आप लोग थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें कि अंदर जाने से पहले आप जितने भी आपके पास सामान हो वो सब लॉकर में जमा करके तभी जाएँ। और अब मैं थोड़ा सा आपको राम मंदिर के बारे में थोड़ा सा अपडेट मैं दे दूं और दिखा भी दूं कि सूत्रों के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि जो परकोटे का जो काम है वो उसका निर्माण जो है वो 50% कंप्लीट कर लिया गया है और परकोटे में ही मंदिर का जो परिक्रमा मार्ग है वो बन रहा है। तो मंदिर के अंदर ही परिक्रमा मार्ग आप कर पाएंगे परकोटे के अंदर ही। तो और मैं आपको और एक थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि जो राम मंदिर का बहुत लोग पूछ रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन कब होगा, तो राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो अभी डेट जो है वो फिक्स नहीं हुई है और जो देश के शीर्ष जो ज्योतिषी लोग हैं उनसे विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने शुभ मुहूर्त जो है वो 21, 22, 24 और 25 जनवरी को शुभ मुहूर्त बताया है, तो उसी के बीच जो है मोदी जी आ सकते हैं राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। और मैं बता दूं आपको जो राम मंदिर का जो गर्भगृह होगा, जो उसका दरवाज़ा होगा, उस दरवाजे में जो है वो सोने की लेयर चढ़ेगी। मीन्स वो जो दरवाज़ा होगा वो सोने का दरवाज़ा होगा राम मंदिर के गर्भगृह का। और सारे जो दरवाजे हैं 44 दरवाजे हैं वो दरवाजे जो हैं वो सागौन की लकड़ी से बनाए जा रहे हैं, सागौन की लकड़ी से वो दरवाजे बनेंगे। तो आप लोग राम मंदिर जो है वो देख सकते हो पूरा क्लियर यहाँ से दिख रहा है, अमावा मंदिर के टेरेस से आपको पूरा क्लियर राम मंदिर दिख जाएगा। और वहीं से मैं आपको दिखा दे रही हूँ क्योंकि अंदर जाना अलाउ नहीं है, हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो मेरे से जितना हो पाया मैंने आपको राम मंदिर का अपडेट दिया, जितना हो पाया मैंने आपको राम मंदिर के बारे में दिखाया बताया। तो आज का देख लीजिए आपका आज का जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको दिखा रही हूँ राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर का अपडेट दे दिया है कि राम मंदिर में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं।
और कब इसका उद्घाटन होगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया और जितना हो पाया मैंने आपको राम मंदिर के बारे में दिखाया और बताया भी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं ऐसे नए नए अपडेट आप तक लाती रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।